नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल TP फार्मेसी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन का हिंदी मीनिंग है सिंचाई। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अगर नहीं किया आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का अधिकार मतलब आधार कृषि है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 25% है। देश की लगभग 70% जनसंख्या अपनी जीविका के लिए इसी पर निर्भर है। बढ़ती आबादी की खाद्य आवश्यकता की पूर्ति हेतु हरित क्रांति लाने हेतु समुचित सिंचाई व्यवस्था की आवश्यकता है। पौराणिक काल में हम सिंचाई के लिए वर्षा जल पर ही निर्भर रहे हैं। वर्षा एक प्राकृतिक क्रिया है जिसका समय और मात्रा अनिश्चित है, जबकि खेती के लिए पानी की आवश्यकता निश्चित एवं समयबद्ध है। इसलिए केवल वर्षा जल पर ही निर्भर रहकर क्रांति लाना संभव नहीं है। अतः वर्षा जल के असीमित भंडार को, जो कि नदियों नालों से होता हुआ समुद्र में चला जाता था, रोककर बड़े बड़े बाढ़ बांध बनाए गए। इन बांधों से नहरें निकाली गई। भारत सरकार द्वारा सिंचाई की आवश्यकता अनुसार बांध से पानी छोड़ा जाता है, जिससे समय समय पर पानी फसलों को मिलता है। जिन भागों में नहरें नहीं हैं वहाँ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र द्वारा नलकूपों का मतलब है नल का निर्माण कराया गया। इन नलकूपों से भूमिगत जल सिंचाई हेतु प्रयोग मानव जाति के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से भूमिगत जल स्तर नीचे होता जा रहा है, जिससे कुएँ ट्वेल आदि में पानी की कमी हो रही है और मनुष्य को पानी का मतलब पीने का पानी भी दुर्भर होता जा रहा है। अतः भूमि जल का सिंचाई हेतु प्रयोग सीमित ही रखना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।